जशपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस ने नशे के लिए तस्कर किए जा रहे कफ सिरप को पुलिस ने वाहन सहित जब्त कर नाकाबंदी से फरार हुए तस्कर की तलाश में जुट गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तमता से एक वाहन में बड़ी मात्रा में कफ सिरप लेकर अवैध बिक्री के लिए तस्कर निकला है। सूचना पर SP शशिमोहन सिंह के निर्देश पर पत्थलगांव पुलिस की टीम तमता के पास नाकाबंदी कर वाहन की जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान तमता की ओर से आ रहे कार को पुलिस ने जवानों के जाँच के लिए रोका। पुलिस की टीम को देखकर कार चालक बैरिगेट पहले ही कार रोककर जंगल की ओर भाग निकला। कार की तलाशी लिए जाने पर पुलिस की टीम ने कार से कफ सिरप की 119 बोतलें और एक मोबाइल जब्त किया। मामले में पत्थलगांव पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 821 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी है। SP शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले में पुलिस नशे की तस्करी शराब जुआ के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। पुलिस को सूचना मिली थी कि तमता के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के तमता के पहाड़ी के पास में यज्ञदत्त शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो कि कोरेक्स के नशीली दवाई का काम करता है, इस सूचना पर पुलिस के द्वारा एक घेराबंदी की पार्टी लगाई गई थी। और वहां पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो जहां पर ये डीलिंग करने वाला था, पुलिस को देख के भग गया। लेकिन वहां पर एक इसकी फोर व्हीलर गाड़ी और उसकी 117 नग कोरेक्स की सीसी और इसका मोबाइल 2,20,000 रुपया का जब्त किया गया है। और इसके खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8 और 21C के तहत कार्रवाई की गई है। इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के पास सूचना मिल गई है, बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाएगी।